बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। अच्छा, ये हमारे भाई हैं, फैसलाबाद से ही हैं। वलीद नाम है इनका, ज्वेलरी की इनकी दुकान है। साल पहले इन्होंने हमसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। इनमें फैमिली हिस्ट्री है हेयर फॉल की, इनके फादर के बाल भी नहीं हैं। तो आज ये हमें वैसे ही चेक करवाने हैं और अपना साथ एक भाई लेके आए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस पर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो इनमें फैमिली हिस्ट्री है। एक साल पहले हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था। इनकी जो पहले की पिक है वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है इनका। बाकी जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है बाल्डनेस की, तो वो अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर करें, फिर ही उनके बाल ठीक रहते हैं। यानी आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वर्टेक्स पे या क्रोन एरिए पे, अगर आप PRP फिनास्ट्राइड मिनोक्सिडिल स्प्रे और हेयर विटामिंस नहीं लेते तो वो आपके बाल गिर सकते हैं। आप डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, अच्छा ऑयल यूज़ करें, फिर ही काम आगे तक चलता है या आप में हेयर फॉल नहीं आता। अगर आप केयर नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, PRP सेशंस नहीं करवाएंगे, तो आपके फ्रंट पे तो जो बाल लगे हुए हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो बैक के बाल हैं वर्टेक्स और क्रॉन एरिया के, वो आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम गिरते जाएंगे। तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है बाल्डनेस की, उनको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बाकी वलीद भाई से पूछ लेते हैं, वो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट से मुतमिन है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया गुजार हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर फॉल, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।